क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, जो पर्सनालिटी को लेकर है, शंकर दयाल शर्मा के बारे में पूछा कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ही वॉज द मेंबर ऑफ INC हो सकते हैं, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ही वॉज द 10th प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर टाइम पीरियड मैं शुरू कर देता हूँ, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे अभी हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अपने ट्रिब्यूट्स पे करे हैं शंकर दयाल शर्मा को, क्योंकि वो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बर्थ एनिवर्सरी अभी उनकी हमने ऑब्जर्व करी थी कुछ दिन पहले, तभी ये चीज करी गई। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी रह चुके हैं, भोपाल स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एंड 10th नहीं, यहाँ पे आंसर होगा 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ही वॉज नॉट द 10th, ही वॉज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये चीज आपको याद रखनी है। चीफ मिनिस्टर के बारे में भी बता दिया, उन्होंने ये कार्यकाल भी अपना निभाया था, शंकर दयाल शर्मा जो थे 1918 से लेकर 1999, तो काफी बड़ा सा यहाँ पे टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, काफी लंबे समय तक ये जो है कांग्रेस के साथ जुड़े रहे थे, और 1952 से 56 जो 4 साल का टाइम पीरियड था, भोपाल स्टेट के ये चीफ मिनिस्टर भी रहे थे। ठीक है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी 1956 से 1967 तक, ये अराउंड 11 साल का जो टाइम है, इसमें इन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, इंडस्ट्री, नेशनल रिसोर्सेज, ये सब डिपार्टमेंट्स जो है इनको मैनेज किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर 8th वाइस प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के अंदर, और 9th प्रेसिडेंट बने थे 1992 से लेकर 1997 तक। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको बतानी थी।